जब से हम 2-3 साल हो गए अभी तक उसका कुछ भी पाबंदी नहीं है। विश्वास है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वो लोग गरीब लोग हैं, लेबर काम करके जीने वाले, वो लोग कुछ ना कुछ करके गवर्नमेंट अच्छा वो हुकूमत को वहाँ पर करना, वो लोग सबको बोल के यहाँ से होने की वजह नाम ये होने की वजह क्या हुआ? ये कुछ एसिड का कुछ बाथरूम में डाले तो कुछ से कुछ गैस पाप प्रॉब्लम हो के कुछ हुआ बोल के मालूम हुआ। ये कुछ पानी का खा डेंजरस केमिकल भी नहीं है, डेंजरस केमिकल डेंजरस कैसे पूरे लोगों को बच्चों को बच्चों को सर नाम बच्चे बच्चे मेरा नाम बीवी अशोक कुमार है, मशूराबाद वाईएसआर पार्टी का मैं इंचार्ज हूँ। जो अंजुमन स्कूल जो बोलकपुर में है, जो वारदात हुआ स्कूल में जो एसिड्स के तरफ से, जब भी मैं हमारे लोकल कॉर्पोरेटर बाजू सिंह साहब मेरा फोन कर मीडियट में उनके उनसे भाई हस्बैंड गया था, उसके बाद बाजू सिंह साहब जो बैंक से रिलेटेड मीडियट बुला के वहाँ क्वारंटी के ले जाके बहुत अच्छा काम करे उन्होंने कहीं बोला तो जो फूड पॉइजन वहाँ पर जो उनको उनको एक डाउट था वो डाउट वहाँ पर क्लियर करें, उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस से या गांधी को शिफ्ट करें, वो बड़ी बात है। कहीं बोलो तो जो इमीडिएट जो राजीव साहब जो एक्शन लिए उसके मुताबिक जो बच्चे हैं वो अब तक पूरे लोग नॉर्मल है और थोड़े लोगों में डिस्चार्ज हो रहे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं सर? टोटल 50 लोग हैं।
टोटल 50 बच्चे उसमें तकरीबन 10-15 बच्चे पूरे डिस्चार्ज होंगे और जो डिस्चार्ज है बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब भी बोले उन लोगों को डिस्चार्ज करना जरूरी है, कहीं लोग नॉर्मल हो गया बोलते बोले, और थोड़े स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी थोड़ी देर से उन लोगों को डिस्चार्ज होता है बोलते। मैं अल्लाह की दुआ करता हूँ, उसके मुताबिक जो वाजिद साहब जो काम करें बहुत बड़ी चीज़ है, कहीं वो इमीडिएट जो भी ऐसे वारदात होते हैं इमीडिएट एक्शन करना ज़रूरी है, उसके मुताबिक वाजिद साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चों में जो मुतासर है कोई बच्चा भी सीरियस नहीं है, और थोड़ा मेडिकल एड के बाद अल्लाह के बल से सेहतियाब होकर घर को जा सकते हैं। थोड़ा आराम की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए डॉक्टर ने उनको हिदायत दी और पानी भी यहाँ से दे रहे हैं। अब ये किस वजह से हुआ, पोल्यूशन की वजह से हुआ या पानी की वजह से हुआ, क्या हुआ, इसकी देखा चाहिए, किस वाक़े किस की हद तक इसका कौन जिम्मेदार है, क्या है, इसकी देखा की जा रही है। वो रिपोर्ट उसूल होने के बाद जो भी एक्शन लेना है गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट को तवज्जो दिलाएगी, नुमाइंदगी करेंगे। और मजीद हमारे बल्दिया के मेयर और कमिश्नर भी आ रहे हैं, उनकी वो भी मुआयना करेंगे, देखेंगे और ये किस वजह से ये हालात बच्चों के हो उसकी तहकीकात करेंगे, पता लगाएंगे। बहरहाल सही वक्त पर उनको शरीक करें,
सही वक्त पर उनकी तिब्बी इमदाद पहुँचाई जा रही है। अलहमदिल्ला माकूल इलाज हो रहा है, पूर्व से फर्दन फर्दन एक एक की कैफियत दी और बच्चे ज़्यादा होने की वजह से वाड़ा फुल हो गई, बेड नहीं है, बेड एक स्पेशल बेड डालने के लिए भी बताया गया, कोशिश जारी है। डॉक्टरों का भी डॉक्टर भी काफ़ी काम कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे तवक्को कि अल्लाह ताला तमाम को कमी सेहतयाबी के साथ इनको घरों को रवाना करेगा और हुकूमत का काम है कि इसकी तहकीकात करेगी किस वजह से एक साथ इतने कसीर तादाद में तलबा की जो तबीयत खराब हुई उसकी तहकीकात करके पता लगाए और उसके बाद जो भी कार्रवाई करना हुकूमत का काम है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कार्रवाई करे। शुक्रिया। डिप्टी मेयर साहब, यहाँ के कॉर्पोरेटर्स और कमिश्नर जीएचएमसी के साथ हमने तमाम मुआयना किया है। हमने पेशेंट से इंडिविजुअली बात की है और डॉक्टर से भी बात की है। ऊपर वाले का एहसान है कि फिलहाल पूरे हर एक बच्ची की तबीयत स्टेबल है और वो लोग ख़तरे से बाहर हैं और बहुत ही जल्द उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। मगर बहसियत मेयर अजीमतर हैदराबाद, मेरी एक जिम्मेदारी है कि ऐसे हादसा आगे ना हो, इसके ऊपर हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, उसके ऊपर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। आज ऊपर वाले का एहसान है कि ये बच्चियां एक माइनर वॉमटिंग्स और हेडेक से अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर को वापस जा सक रहे हैं। अगर ये कोई एक बड़ा हादसा होता तो हम इनके पेरेंट्स को फेस करने के मौक़ में नहीं रहते। तो आगे ऐसा कोई हादसा ना हो कि को इसको ख्याल में रखते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसकी तह तक जाएगी कि क्या 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 किस किस वजाहत की वजूहत की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है और हम इन डिटेल इसका इंस्पेक्शन करेंगे। मैं अभी कमिश्नर साहब को अभी हिदायत दिया हूँ कि एक डिटेल इंक्वायरी की जाए इसके ऊपर और जितने भी वहाँ पे कुछ भी हो, हमारी पहली जिम्मेदारी है सिटीजन्स की सेफ्टी, वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसी के ऊपर हम काम करेंगे। इसके ऊपर एक डिटेल इंक्वायरी मेरे पास प्लेस होगी, फिर उसके बाद हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर इसके